बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट मूस बनाएंगे। हम एगलेस चॉकलेट मूस बनाएंगे आज बहुत ही इजी रेसिपी से। इसके लिए सबसे पहले ये एक पैन में मैं तकरीबन 1 कप ये दूध है, 1 कप दूध इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये है मेरे पास चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर। चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर किसी भी ब्रांड का आपको इजीली अवेलेबल होता है, किसी भी सुपर स्टोर से या मार्ट से आपको इजीली मिल जाएगा, या आप इसकी जगह कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ये कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है तो हम थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। ये अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये है 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इन तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका था। अब इसको चूल्हे पे पकाएंगे। इसको मतलब इतना पकाना है कि ये इसको हमें अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बन जाए। देखिए इस तरीके से हमें ये गाढ़ा चाहिए। देखिए इस तरीके का गाढ़ा होगा तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। अब ये एक बोल में तकरीबन 1/2 कप क्रीम लेंगे, या मैंने 1/2 कप क्रीम ली है। क्रीम जो है व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आप, या आप डेरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रीम जो है हमें बहुत ज़्यादा ठंडी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए क्रीम ताकि अच्छे तरीके से व्हिप हो सके। अब क्रीम को जो है मैं व्हिप करती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से ये फ्लफी हो सके। ये क्रीम हमारी अच्छे तरीके से व्हिप हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून है ये चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट यूज करेंगे 1 टेबल स्पून। चॉकलेट आप ज्यादा भी कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से। ये चॉकलेट ऐड कर दी है, अब मैं मिक्स कर लेती हूँ हल्का सा। अब जो चॉकलेट कस्टर्ड हमने रेडी किया था वो अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा करके फिर इसमें शामिल करेंगे। ये इसके अंदर मिक्स कर दिया है, अब इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल एहतियात के साथ आप लोग पहले देख लीजिएगा कि ये चॉकलेट कस्टर्ड जो है इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर, ये चॉकलेट कस्टर्ड इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ये रेडी है। ये देखें इतना गाढ़ा ये होना चाहिए। इसको इसके लिए जो है क्रीम जो है वो अच्छे तरीके से हमें व्हिप करनी है। क्रीम अच्छे तरीके से ठंडी होनी चाहिए और कस्टर्ड भी जो हमने रेडी किया था
इसके लिए भी इसके अंदर लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरह से रेडी होगा तो ये इस तरीके का बहुत ही मज़े का ये बनेगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर हम इसको ठंडा करेंगे, फिर इसको इंजॉय करेंगे। मुझे इसको इसमें सर्व करना है तो मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगी। आप जिसमें चाहे सर्व करना, आप उसके अंदर जो है इसको ठंडा करने के लिए रख दें, किसी भी बोल के अंदर, या आपको जिसमें भी इसको सर्व करना। अब ये इसके ऊपर मैं हल्की सी चॉकलेट स्प्रिंकल कर रही हूँ जस्ट एक गार्निशिंग के लिए। आप इसको सिप भी कर सकते हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको ठंडा करेंगे। जितना ठंडा अच्छा होगा ये उतना ही मज़े का लगेगा। 2 से 3 घंटे के लिए अब इसको रखते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। ये 2 से 3 घंटे के बाद हमारा चॉकलेट मूस बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही यमी रेडी हुआ है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। आप भी इसको बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिए और हमेशा की तरह रिस्क को ज़ाया होने से ज़रूर बचाइए। अल्लाह हाफिज़।